वेलकम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जी, आज मम्मा ये तवा लेके कुछ काम कर रही हैं, तो चले मम्मा को पूछते हैं मम्मा क्या काम कर रही हैं। हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं और प्यार। अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक रखे, सही रखे। और आज मैं कोई रेसिपी नहीं दिखा रही हूँ, बल्कि मैं जो तवा हम लोग इस्तेमाल करते हैं रोटी पराठे बनाते हैं, उसमें आपने देखा होगा साठ रुपये सभी, देखिए कितना ही जम जाता है सारा ही ना। तो इसको साफ़ करने का तरीका बता रही हूँ मैं, इसको भी साफ़ करने जा रही हूँ। मैंने तवे को खूब अच्छा सा गर्म कर लिया है, देखिए भाप निकल, इसमें से धुआं निकल रहा है। अब हम चूल्हे की आँच कम करेंगे और तवे को किसी कागज़ पर रख के ना, तो फिर इसको साफ करना दिखाते हैं। फिर कैसे देखो मसाला नहीं ज़्यादा आएगा। हाँ देखें, ये जो अच्छे सा गर्म हो चुका है, इसको हम अब चाकू की मदद से इसको हल्के हल्के ऐसे देखें, और नीचे कागज़ मैंने इसलिए बिछाया है कि इसका जो कचरा जो हम निकालेंगे जो किनारे से, ये देखें ये ना फैलेगा नहीं। आपको नज़र आ रहा होगा मैं बहुत ज़्यादा गर्म है ये, तो इसलिए आसानी से साफ़ हो रहा है ये। देखें इस तरह से हम चाकू के तेज़ चाकू की मदद से जब साफ़ करते रहेंगे, और तवा बिल्कुल जो है गर्म होना चाहिए। तेज़ गर्म होगा ना बहुत नीट हो जाएगा। इस तरह हम अगर तवा ठंडा हो जाए उसको फिर थोड़ा सा तेज़ गर्म करें और इस तरह साफ़ करें। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, देखो ये कितना साफ़ हो गया है। देखें आपने और तवा चटनी है बहुत गर्म है। हाँ, कोई भी चाकू ऐसे रख लें जो आप इस्तेमाल ना करते हैं, उसकी मदद से पूरा तवा ये साफ़ हो जाएगा। बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो इसी तरह करिएगा जिस तरह मम्मा ने बताया है। तेज़ गर्म तवे पे बहुत जल्दी निकल रहा है सारा कचरा कद्दू जो है। देखें कितनी कालक, देखें निकल रही ना आपको नज़र आ रही है सारा, ये सब जो है जम जाती है किनारे पर। रोटी और पराठे भी खराब काले काले बनते हैं, चिपकते भी हैं। हम इसको अच्छा सा साफ़ करेंगे, अभी थोड़ा ठंडा होगा फिर दोबारा से गर्म करेंगे। देखें कितना जमता है, देखें इसको भी इसी तरीके से हम लोग इसी चाकू की मदद से साफ़ करेंगे अच्छे से। जी देखिए तवा कितना साफ होता जा रहा है। इसी तरीके से पूरा तवा साफ़ कर लेंगे हम लोग गर्म करके, इसको गर्म करके चाकू की मदद से जब जैसे जैसे गर्म करेंगे तेज़ से चाकू से बिल्कुल साफ़ करेंगे और साफ़ होता जाएगा। इसी तरह पूरा करके दिखाती हूँ किस कदर साफ़ हुआ है। देखिए हो चुका है और इसकी ये कचरा देखिए सब से निकला है, जो ये सारा जो है ये कालक, ये तवे की कालक थी जो कि हमने निकाली है इस पर से रगड़ के। अब इस तवे को हम वॉश करके दिखाते हैं। देखिए एक बार इस पर थोड़ा सा लिक्विड डाल के और फिर ये जो ये होती जाली क्या होती है स्प्रिंग होता है उससे साफ़ करेंगे इसको अच्छे से ना, इसको अच्छे से फिर जो होती है हमारा उससे अच्छे से उसको साफ़ कर लेंगे, देर बाकी रह गया उसको साफ़ हो जाएगा। व्यूअर्स ये तवा मैंने इसको धो लिया है, कितना अच्छे से देखें वॉश हो चुका है और कितना क्लीन हो गया है। जो उस पर सारा कचरा था हमने देखें ये सब निकाल दिया, और ये देखें कितना तरह से निकला है ये। और आप देखें पराठा कुछ भी चिपकेगा नहीं इसके ऊपर। तो जी मम्मा की छोटी सी काविश कैसी लगी आपको? बहुत ही ज़बरदस्त तवा, बिल्कुल ही नीट क्लीन हो चुका है, बहुत ही साफ़ लग रहा है। तो जी कैसी लगी वीडियो? आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस तरह की वीडियोस मम्मा और मैं लेकर आएंगे इंशाल्लाह, और अच्छी अच्छी यूज़फुल वीडियोस लेकर आएंगे, कुछ हंसी मजाक की, कुछ इस तरह की किचन टिप्स लेकर आएंगे आपके लिए। तो जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करें। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो व्लॉग में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।